एल्विस यादव को प्यार और फुकरा इंसान को फटकार कहां लगी है इसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल फुकरा इंसान के भाई जो ट्रिगर्ड इंसान है, उन्होंने सोचा कि पैसे के दम पर वोट खरीद लूंगा और जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके शिक्षक अगर बोलेंगे तो वो मान जाएंगे, इस तरीके की कुछ चीज़ें जो हैं उनके तरफ से करने की कोशिश की गई। हिमांशी सिंह जो है वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हैं। अब ऐसे में ही लाइव स्ट्रीमिंग में जाकर फुकरा इंसान जो मतलब अभिषेक मल्हान है, उनके भाई ने 4,000 रुपये दिए और 4,000 रुपये देकर एक सुपर चैट जो है वो की और उसमें लिखा कि बच्चों क्लास के बाद सभी जाकर फुकरा इंसान को वोट कर देना। अब जैसे ही ये टीचर ने देखा, टीचर ने इसे पढ़ा हिमांशी ने और तुरंत ये कह दिया हिमांशी सिंह ने कि चलो आगे बढ़ो। कमेंट उन्होंने पढ़ा भी नहीं, अपने मन में ही पढ़ के उन्होंने चलो आगे बढ़ो जिस तरीके से फटकार लगाई, बेइज्जती जो है वो हो गई। लोग अब फुकरा इंसान और ट्रिगर जो इंसान है उनके मजे ले रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो सो कॉल यूट्यूबर है उसकी औकात पता चल गई है। वही दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं किस तरीके से कुछ बच्चों ने नीतू सिंह जो कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती है उनसे अपील की थी, तो उन्होंने एल्विश को वोट करने के लिए भी कहा, ढेर सारा प्यार भी दिया और सिस्टम की आवाज़ भी लगाई। तो दोस्तों ऑनलाइन टीचर जो हैं वो भी एल्विश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी जाकर पहले वोट करके आइए। जियो सिनेमा ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, वहाँ पर वोटिंग पर जाना है और एल्विश यादव पर क्लिक करना है और उसके बाद वोट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, ना कहीं मैसेज भेजना है ना कुछ करना है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप वोट कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे जो पोस्ट आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें दिखाया जा रहा है एल्विश यादव आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना है। सबसे पहले आपको वोट करना है ताकि एल्विश यादव को ही ट्रॉफी मिले और दूसरी तरफ जो एक घमंड है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो, लोगों को अपनी असली औकात पता चले। तो ये तो हो गई बात एल्विश यादव को वोटिंग को लेकर। उनकी मम्मी, उनके पापा सब कोई अपील कर रहे हैं, उनके सिस्टर भी अपील कर रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कौन कौन से और टीचर जो हैं ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो एल्विश यादव के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो क्या राकेश यादव भी उनके सपोर्ट में आए हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो भी एल्विश यादव को सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीमिंग रखी गई थी फुकरा इंसान के तरफ से, जो उनकी टीम है उनके तरफ से, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है, कोई कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, लेकिन जीतना तो एल्विश को ही है क्योंकि किसी को आप जबरदस्ती या अपने लाइव स्ट्रीमिंग में बुलाकर उसके वोट नहीं करा सकते, वो उसी को करेगा जो उसे पसंद आएगा। और जनता का जो मूड है वो एल्विश पर है, चारों तरफ एल्विश छाया हुआ है। अब ऐसे भी आपको बता दें कि फुकरा इंसान का जो भाई ट्रिगर्ड इंसान है वो लोगों के कमेंट में जाकर सुपर चैट खरीद खरीद कर लोगों से वोट करने की अपील कर रहा है, पैसे के दम पर वोट खरीदने की अपील कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो कटोरा लेकर हर देश के सामने खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही हालात हो गई है। और वहीं पर एल्विश के जो फैंस हैं उनको कुछ ही नहीं चाहिए भैया, उनसे अपील करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ही देख लो आप, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एल्विश यादव हर मुद्दे पर, जब सनातन के मुद्दे होते थे और किस तरीके से जब यूपी में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करने की बात थी तो उन्होंने खुलकर बात की थी, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए और मैं कर भी रही हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सनातन को सपोर्ट करता है तो हमें भी खुलकर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं उन लोगों से भी खुलकर बात करूँगी जो लोग एल्विश का तो सपोर्ट लेते थे लेकिन आज वो खुलकर अगर एल्विश बिग बॉस में है तो वोट करने की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें छोटी होंगी, कुछ लोगों के लिए बहुत हल्की हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम क्यों हमेशा यही कहते आते हैं कि जो राइट विंगर्स हैं उनके पास कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। एक बड़े लेवल पर जाकर अगर बिग बॉस की ट्रॉफी उनके पास आएगी तो उनके पास भी एक अचीवमेंट होगी। एक ऐसा इंसान जो खुलकर यूट्यूब पर जय श्री राम का पीछे बैनर पोस्टर लगाता है, खुलकर हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर बात करता है, करोड़ों की कार जो है उसकी उस पर वो हिंदू लिखवाकर घूमता है, तो इसका मतलब है हमें उसे सपोर्ट कर। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें एल्विश ने सपोर्ट किया है उन्हें आगे आना चाहिए और एल्विश के लिए वोट की मांग करना चाहिए, एल्विश को बिग बॉस की ट्रॉफी जिताना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो भी उनको सपोर्ट कर सकें। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है सिंपल सा कि अगर उन्होंने आपको सपोर्ट किया है तो आज आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से और मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग सहमत हैं कि
सपोर्ट करना चाहिए अल्पेश यादव को, तो आप लोग भी जाइए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या कहीं पर भी एक पोस्ट डालिए अल्पेश को वोट करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मैं यही चाहूंगी कि ट्रॉफी जो है वो अल्पेश को ही मिले। बहुत सारे टॉपिक हैं वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए, लेकिन मैं लगातार अल्पेश यादव पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ कि अल्पेश यादव ही जीते। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए,